हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 20 है दोस्तों, हमारे पास फ़ोन है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसमें दोस्तों हमसे FRP इसमें लग गई है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके पास रियलमी नार्जो 20 फ़ोन है उसमें आपसे FRP लग जाती है तो उसकी FRP आप कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फ़ोन जो है वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है। तो मैंने अपना फ़ोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया और इसे जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों पैटर्न और दोस्तों गूगल अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारा फ़ोन दोस्तों नहीं जाने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें जो वर्जन है वो एंड्रॉयड 11 वर्जन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ है। दोस्तों एंड्रॉयड 11 वर्जन जो पहला तरीका था एंड्रॉयड 11 में बाईपास करने का दोस्तों इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करने का। दोस्तों आज बिल्कुल हम नया मेथड आपको बताएंगे कि आपके पास रियलमी नार्जो सीरीज़ का आपके पास कोई सा फ़ोन आता है रियलमी नार्जो 10, 20, 30 है दोस्तों आप बिल्कुल इसी तरीके से उसकी FRP बड़े आसानी से दोस्तों बाईपास कर सकते हैं। देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फ़ोन दोस्तों बैक कर लेना, तो मैं अपना फ़ोन बैक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पहले जो तरीका था माइक वाला ऐड नेटवर्क पे जाके वो भी इसमें दोस्तों काम नहीं करेगा। तो मैं दिखा दूँ आपको, डोंट अलाउ ये नो परमिशन टू इनेबल दोस्तों मांग रहा है, ये वाला भी इसमें दोस्तों काम नहीं करेगा। फिर बैक करना है। बैक करके दोस्तों जो इमरजेंसी कॉल वाला था *813# वो भी इसमें दोस्तों बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। *813# देख सकते दोस्तों ये भी बिल्कुल इसमें काम नहीं कर रहा। तो आपको अब करना क्या है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका अब जो है दोस्तों इसका टेलवैक ऑन करना है, वॉल्यूम प्लस और डाउन से दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है और इसका फ़ोन का दोस्तों टेलवैक ऑन करना है। तो मैं दबा लेता हूं दोनों बटनों को एक साथ और देख सकते दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है टर्न ऑन टेलवैक। तो इसे दोस्तों आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना है। डोंट टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों आपका फिर टेलवैक ऑन नहीं होने का दोस्तों, फिर आपको हार्ड डिसाइड मानना पड़ेगा फ़ोन। तो फिर आपको एक बार और करना है। तो हमारा दोस्तों बिल्कुल टेलवैक जो फ़ोन का है हमारा वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद दोस्तों इसे क्लोज करना है, यहाँ से मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रीन पे इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। फिर दोस्तों ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है दो बार। फिर दोस्तों यूज वॉइस कमांड पर जाना है और यहाँ क्लिक करके दोस्तों फिर आपको ऊपर सबसे क्लिक करना है, यहाँ दो बार क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ आपको बोलना है ओपन गूगल असिस्टेंट। तो मैंने यहाँ बोला ओपन गूगल असिस्टेंट। दोस्तों जो गूगल असिस्टेंट होता है वो आ चुका है। यहाँ आने के बाद अब दोस्तों आपको करना है टेलबैक ऑफ़। तो मैं कर लेता हूँ अपने फ़ोन का टेलबैक ऑफ, वॉल्यूम अप और डाउन से आपको दोनों बटनों को एक साथ दबाना। दोस्तों हमारे जो टेलबैक जो था ऑन था वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद दोस्तों यहाँ आपको सर्च में जाना है और सर्च में आपको लिखना है यूट्यूब। तो सर्च में मैं यूट्यूब लिख लेता हूँ और यूट्यूब लिख के दोस्तों आपको सर्च कर देना है। तो मैंने जैसे YouTube लिखा और सर्च मारा दोस्तों जो हमारे फ़ोन का YouTube होता है वो खुल जाएगा। YouTube खुलने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है इधर। तो मैं सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना और यहाँ दोस्तों एक्सेप्ट कर देना है। इसे जो हमारे जो फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र होता है दोस्तों वो खुल जाएगा। क्रोम ब्राउज़र खुलने के बाद दोस्तों एक साइट है जिसका नाम है BK स्मार्टफोन, तो वो आपको यहाँ डालनी है। दोस्तों मैं डाल लेता हूँ BK स्मार्टफोन.com। तो मैं लिख लेता हूँ दोस्तों BK स्मार्टफोन, ये लिखा और दोस्तों सर्च कर देना आपको BK स्मार्टफोन लिख के। जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर वाली साइट BK स्मार्टफोन.com वाली पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ क्लिक करा और गूगल अकाउंट बाईपास पे जाना है। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, 10वें नंबर पे ओपन सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैं चले जाता हूँ यहाँ ओपन सेटिंग। ओपन सेटिंग के बाद दोस्तों अब मैं इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ सबसे नीचे आके अबाउट डिवाइस में जाके। यहाँ देख सकते दोस्तों रियलमी नार्जो 20 दोस्तों फ़ोन है और इसमें जो वर्जन है वो एंड्रॉयड 11 वर्जन है। तो आपको अब करना क्या है दोस्तों, आपको अब इसमें एडिशनल सेटिंग में जाना है, फिर बैकअप एंड रिसेट पे आपको क्लिक करना है, फिर दोस्तों इरेज ऑल डाटा पे और सबसे पहले इसे रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। रिसेट नेटवर्क सेटिंग रिसेट होने के बाद दोस्तों आपको रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक करना है, यानी कि इसकी जो रिसेट सिस्टम सेटिंग है वो भी रिसेट कर देनी है दोस्तों। फिर आपको नीचे इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे दोस्तों जो हमारा फ़ोन है वो बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा और दोस्तों जो फ़ोन हमारा बिल्कुल ऑन होकर दोबारा खुलेगा। इसमें दोस्तों टाइम भी लग जाता है, 2-4 मिनट आप वेट करना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों इरेज ऑल डाटा कर दिया, जो हमारे फ़ोन का जो डाटा था वो बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा और दोस्तों जो भी गूगल अकाउंट था वो बिल्कुल इसमें दोस्तों अब नहीं रहने का और जो दोस्तों जहाँ गूगल अकाउंट मांग रहा था वहाँ अब स्किप का ऑप्शन आ जाएगा और हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो खुलने वाला है, तो मैं इसका वेट कर लेता हूँ। तो रियलमी का अगर आपके पास दोस्तों फ़ोन है रियलमी नार्जो 20A 20 30 दोस्तों और 10, ये जो आपके पास फ़ोन है और इसमें आप फ़ोन हार्ड रिसेट लग जाता है और दोस्तों आप उसमें FRP भूल जाते हैं अपने फ़ोन की, तो उसकी FRP आप इसी तरीके से अपने फ़ोन की FRP दोस्तों खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्किप करा, देखते हैं दोस्तों अब बिल्कुल भी वाईफाई से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा फ़ोन दोस्तों स्किप हो चुका है और फाइनली हमारा फ़ोन दोस्तों ओके खुल जाएगा। तो गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपना फ़ोन दोस्तों सही करना है। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।